छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर हुए हैं। मरने वालों में नक्सल कमांडर शंकर राव भी शामिल। भारी तादाद में AK-47 समेत राइफल और हथियार बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ा एनकाउंटर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों का। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर किए गए हैं और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि नक्सल कमांडर शंकर राव भी इसमें शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक खास ऑपरेशन में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कांकेर जिले के माड इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद ये कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ में कुछ जवान भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। DRG एवं BSF की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ऑपरेशन किया गया था। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। कांकर के थाना छोटेपेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागुंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम वादी संगठन की सीनियर DBC कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर DRG कांकर एवं BSF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागुंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बन 303 एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एमुनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे।